मौजूदा मुसीबत मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ विपदा बढ़ी है, देश में पूर्णबंदी लागू है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ने से अर्थव्यवस्था के औंधे मुंह गिरने का डर है। लिहाजा सरकार ने कुछ रियायतें देना शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को दी गई छूट के बाद सरकार ने कुछ और रियायतें देने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के लिए मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, लिहाजा सरकार बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे खोलने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी क्षेत्रों में भी छूट देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आज से नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी सिंगल दुकानों को सशर्त खोले जाने की इजाजत दी है। हालांकि निगम के दायरे में बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। सरकार ने दुकान खोलने के लिए 4 जरूरी शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि 50% कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे, कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा, दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण होनी चाहिए। वहीं मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जिन इलाकों में 20 से ज्यादा मामले हैं, वहां दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम में स्थित बाजार वाली दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे। साफ है कि आज से देश भर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुल गई हैं। इससे पहले भी सरकार ने 20 अप्रैल को कुछ रियायतें दी थीं, लेकिन इन रियायतों का ये मतलब नहीं है कि मुसीबत टल गई है। मुसीबत अभी भी सिर पर मंडरा रही है, इसीलिए खुद की हिफाजत के लिए एहतियाती कदम उठाने जरूरी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।